हम सब जानते हैं कि पीरियड्स क्या होते हैं, हम सब जानते हैं ना, कितने लोग जानते हैं पीरियड्स क्या होते हैं, लड़कियां कितनी जानती है, महिलाएं तो जानती ही होंगी, सब जानते हैं, सब समझते हैं कि वो क्यों आते हैं, सब समझते हैं कि वो आने भी चाहिए, समझते हैं ना। तो पीरियड्स आना एक औरत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक लड़की से एक महिला बनने के लिए तैयार होती है। उसके पीरियड्स का आना मतलब ये है कि वो अब एक लड़की है और वो महिला बनने के लिए तैयार हो रही है, सब आप समझते हैं। पर आप क्या ये जानते हैं कि जितनी भी बीमारियां होती हैं औरत के अंदर, 70 से 80% वो इसी कारण होती हैं कि वो पीरियड्स के टाइम पे सफाई नहीं रख पाती हैं, समझ, ये तो आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा, आपके साथ हुई भी होंगी कि जितनी ज्यादा बीमारियां होती हैं वो इसी कारण से होती हैं कि उनसे 4 से 5 दिनों में आप वो सफाई नहीं रख पा रहे हैं जो आपको रखनी चाहिए। आप उस तरह से आप कपड़े का यूज कर रहे हैं पैड्स की जगह, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जिनसे बीमारियां होती हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि पीरियड्स के टाइम पे कैसे सफाई रखी जाए, कैसे हम साफ सुरक्षित रह सकते हैं। तो आप में से लोग कपड़ा यूज करते होंगे, कुछ लोग पैड यूज करते होंगे, दोनों यूज करते होंगे। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि कपड़ा कितना ज्यादा हानिकारक है? हम लोग है ना एक गांव में गए थे अभी कल से परसों, तो हमें वहां जाके पता चला था कि औरतें ऐसे ही पड़े हुए कपड़े लगा लेती हैं, जो रोड पे पड़े हुए हैं वो कपड़े लगा लेती हैं। आप समझ रहे हैं उससे कितनी ज्यादा बीमारियां होंगी। वो जगह ऐसी है जिसे आपको सबसे ज्यादा सफाई से रखना चाहिए, आप उसको सबसे ज्यादा गंदगी से रख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम औरतों को बताएं कि कितनी ज्यादा सफाई की जरूरत है, क्यों हमें पैड यूज करना चाहिए, कपड़ा क्यों नहीं यूज करना चाहिए। तो हमारी एक और मेरी एक दोस्त है, वो आपको बताएगी कि है ना पैड के क्या क्या फायदे हैं और कपड़ा क्यों नहीं यूज करना चाहिए, और अगर आप कपड़ा यूज कर रहे हैं क्या क्या होता है, कभी कुछ लोग नहीं खरीद पा रहे तो आप कौन सा कपड़ा यूज करें, वो आपको ये बताएगी। तो आप इसकी बात सुनिएगा, समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक,